घुमंतु समाज, यायावरी जिसका स्वभाव है, जो चलता है चलते चलते कमाता है और अपनी आजीविका के लिए साधन जुटाता है। एक दिन उसे अचानक रुकना पड़ा, जो उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं था। कोरोना के कारण देश के घुमंतु समाज की गति भी अचानक से रुक गई। भोजन समाप्त होने लगा, रोजगार के साधन समाप्त होने लगे। ऐसे में संघ के स्वयंसेवकों ने बीड़ा उठाया, उसे निभाया। वो वहां भी पहुंचे जहां प्रशासन ने सहयोग किया, वो वहां भी पहुंचे जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाया। कोरोना वायरस के चलते सबको परेशानी में फंस गए हैं, इसलिए ना तो मजदूरी है ना कुछ नहीं है, इसलिए बैठे हुए हैं। तो आरसीस वाले हमें खाना ला के खिला रहे हैं और मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो अभी तक सरकार वालों की तरफ से तो सर अभी तक कुछ नहीं आया। घोर अंधेरे में डूबे गरीब लोगों के लिए भी ये उम्मीद बाकी थी, जिसे पूरा किया गया। भोजन की व्यवस्था भी की गई। 1400-1500 जने मजदूर लोग रहते हैं, उनको क्या कोरोना वायरस के कारण इनको क्या खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई है, इसी कारण आरएसएस वालों ने काफी मदद की है। यहाँ रोज हमेशा खाना बांटने के लिए सुबह शाम आते हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्वयंसेवकों ने घुमंतु समाज के लोगों के घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया। हमारे जो कार्यकर्ता है, संघ के कार्यकर्ता जो इस प्रकार रोजाना का भोजन और जो भी खाद्य सामग्री रोजाना प्रोत्साहित और प्रदान करते, जिससे ये अपना भरण पोषण कर रहे हैं। सेवा के इस यज्ञ कुंड में जिसे जरूरत थी उसे प्रसाद मिला, जो सबल था उसने सहयोग किया। फिर वो भले ही उस गरीब समाज का हिस्सा क्यों ना रहा हो। 200 रुपए की थे, 200 में तेल है, आटा है, लून है, मरच है, इसमें 5 किलो की थैली आटे की, सब शक्कर है, चावल है सर, मिर्ची है, तेल है, सब कुछ है। मैं समझी अम्मी गरीब आदमी है और जरूरत पड़ेंगे ताकि और सेवा करें। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। अभी पैसा है हमारे पास, पर राशन समाप्त हो गया है तो आपसे लेना पड़ेगा। लेकिन आपने यदि कहाँ से लाए हैं, सरकार का है क्या? जब उनको ये पता लगा कि ये सरकार की योजना नहीं, समाज के लोगों ने ही आपको अपना भाई बंद मान करके पहुंचाया है, तो उन्होंने कहा कि आप कल आइए। और 2 दिन बाद हमको दोबारा जब बुलाया तो उन्होंने कहा हम भी समाज के अंग हैं, तो हमसे भी जो कोई गरीब होंगे उनको आप सहायता कीजिए। और एक ही बस्ती के अंदर उन्होंने 51,000 रुपया गाड़िया लोहार लोगों ने इकट्ठा करके सेवा भारती को दिया। ये हमारे लिए भी वास्तव में गर्व करने की बात थी। सेवा और सहयोग के मामले में इस समाज की महिलाओं के तेवर भी देखने लायक थे। हमारे को थोड़ा बहुत 2 रोटी खाने के मिल रही है, तो 2 नहीं खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, 1 दूसरों को बांट के खाएंगे। जयपुर के सांगानेर में दिखा घुमंतु समाज का गौरव। घुमंतु समाज ने की पड़ोसी गांव के लोगों की सहायता। घुमंतु समाज ने अलवर में ठेला बनाकर दिया आजीविका का उपहार। अलवर में ही कंजर समाज को दिया मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण। भरतपुर जिले के सीकरी में बेटी का विवाह संपन्न कराया। बाड़मेर में शवों को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। अकेले राजस्थान में 5 लाख भोजन पैकेट्स और 52,000 से ज्यादा राशन किट बांटी गई। फरीदाबाद में फंसे 250 लोगों के लिए निरंतर भोजन की व्यवस्था हुई। चरखी दादरी में 500 गायों और 50 ग्वालों की भोजन की व्यवस्था लगातार चली। कच्छ में 4,500 गायों के लिए 80 टन चारे का इंतजाम किया गया। समाज की जो मूलभूत एकता का भाव है, जो सदियों पुरानी हमारी जो संस्कृति है, जो अध्यात्म आधारित जीवन की दृष्टि है, वो अधिक अधिक प्रबल मजबूत होते जा रही है। और इसलिए समाज एक ही रहेगा और आने वाले इस प्रकार के अनेक नैसर्गिक या मानव निर्मित ऐसी सभी समस्याओं का में से इस समाज को एक रखते हुए आगे बढ़ने का कार्य समाज करता रहेगा, ऐसा लगता है। आप यूं कह सकते हैं कि सेवा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां स्वयंसेवक ना पहुंचे हों।
देश के 7 करोड़ से ज्यादा घुमंतू समाज के लोगों के लिए समाज के इन शुभ चिंतकों ने दिन रात एक कर सेवा कार्य किए जो आज भी जारी है। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले,